वर्तमान सरकार के विकास के दावे कागजों तक ही सीमित है और विकास की मांग कर रहे लोग मौत की नींद सो रहे हैं। इसका एक उदाहरण धनौली में देखने को मिल रहा है, जहां धनौली सिरौली रोड पर नाला निर्माण की मांग को लेकर बीते 81 दिनों से क्षेत्रीय लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। बीते दिन धरने के दौरान कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वर्तमान सरकार देश प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के दावे कर रही है, अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, लेकिन अगर विकास हो चुका है या हो रहा है तो विकास की मांग को धरने पर बैठे आम लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। मामला ताजनगरी के धनौली का है, जहां धनौली सिरौली रोड पर नाला निर्माण को लेकर विगत 81 दिनों से क्षेत्रीय लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। गर्मी सर्दी बरसात, इन लोगों को किसी मौसम की परवाह नहीं, बस ये चाहते हैं कि सिरौली रोड पर नाले का निर्माण कराया जाए, जिससे उन्हें समस्या से निजात मिल सके। लेकिन इसी धरने पर बैठी एक 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला रानू ने आज दम तोड़ दिया। धरने पर बैठी रानू की तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वृद्धा की मौत की पुष्टि उसके बेटे नीरज ने की। वहीं एक अन्य बुजुर्ग महिला कीर्ति अम्मा की हालत भी नाजुक बनी हुई है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, धनौली धरने के प्रकरण में जो वृद्ध महिला की मृत्यु की बात सामने आ रही है, पूर्णतः सत्य नहीं है। महिला मृत महिला जिसकी उम्र 75 से 80 वर्ष है, रानी नाम की महिला है, जो धरना स्थल के पड़ोस में रहती थी, किराए के मकान पर, काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। उसकी मृत्यु अपने घर पर ही हुई है और स्वाभाविक मृत्यु हुई है, और उसका पीएम के लिए पीएम हाउस भेज दिए गए हैं। आगे ये प्रक्रिया की जा रही है, इसलिए मेरा ये मैसेज है, किसी प्रकार की अफवाह या रूमर पर ना आए, शांति व्यवस्था में अपना योगदान। जानकारी होते ही थाना मलपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भिजवाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विगत 81 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे क्षेत्रीय लोगों की मांगे सुनने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? क्या विकास के कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या इनकी मांगे सुनी भी जाएंगी या नहीं? प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।